आपने जो कर्म की ये प्रक्रियाएं बतलाई, इनमें लेशिया की कर्मबंध में क्या भूमिका है? क्या लेशियाओं का कुछ रासायनिक या न्यूरोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है? क्या उसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? लेशिया शब्द भी जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। उसको अगर हम समझना चाहें तो उसको हम कह सकते हैं भाव रंग अर्थात साइकिक कलर। ये बात तो आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हमारी मेंटल एक्टिविटी जो है उसके भी अपने वेव्स हैं, उसके भी अपने कलर हो सकते हैं आदि आदि। तो जैन दर्शन ने लेशिया के द्वारा एक कंसेप्ट दिया है कि हमारे भीतर जो चेतना की क्रिया चलती है, जैसे मैंने बताया गुस्सा आता है, क्रोध वगैरह, ये कषाय है, मौनी कर्म का उदय वगैरह, तो इसके साथ एसोसिएट होते हैं लेशिया के पुद्गल। वो भी एक रेज है, एक वेव्स, एक रेडिएशन है जो पूरे संसार में उसके पुद्गल है। हमें जब भी भाव, आवेश, आवेग, कोई भी इस प्रकार का विचार आता है, फौरन उस प्रकार की लेशिया के पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं। क्रोध के लिए कृष्ण लेशिया के आते हैं, नील लेशिया के आते हैं, कापोत लेशिया के आते हैं। क्षमा के लिए तेजस लेशिया के आते हैं, पद्म लेशिया के आते हैं, शुक्ल लेशिया के आते हैं। दो कैटेगरी है, शुभ और अशुभ। हमारे विचारों को विकृत करने वाले, उसको इंटेंस बनाने वाले, उसको नेगेटिव बनाने वाली जो लेशिया है वो कृष्ण लेशिया है, नील लेशिया, कापोत लेशिया। कृष्ण मतलब ब्लैक कलर, नील मतलब ब्लू कलर, कापोत मतलब एश कलर, दो कलर। तीन जो है अशुभ है, उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तीन लेशियाएं शुभ है, वो वाइब्रेशन अगर हम ग्रहण कर सकते हैं, हमें ये पता चलना चाहिए कि किससे ये होता है, किससे ये होता है, और अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं तो बाकी के जो तीन है, तेजस, पद्म और शुक्ल, उसके रंग है येलो, रेड और वाइट, ये तीन शुभ है। वो रेडिएशन जो है वो आते ही हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारी भावना बदल जाएगी, क्षमा, मैत्री, प्रेम, दूसरे के साथ सहनशीलता, अभय, ये सारे पैदा हो जाएंगे। तो इसको लेशिया का सिद्धांत कहते हैं। कषाय और लेशिया ये आपस में जुड़ी हुई है। कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो मोहनी कर्म का फल है और जो हमारे बिहेवियर को विकृत बनाता है और नए कर्म बंधन का कारण है। तो जब लेशिया अशुभ होती है तो मोहनी कर्म को ही इंस्टिगेट करते हैं, जब लेशिया शुभ होती है तो मोहनी कर्म को सप्रेस या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये लेशिया का प्रयोग है। लेशिया ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया ना कि अपने आप तो कर्म का उदय होगा, अपने आप कर्म के उदय से ऑटोनोमस सिस्टम सक्रिय होगा, उसमें एक प्रोसेस लेशिया का होगा। आत्मा के द्वारा लेशिया के उन पुद्गलों को वो वेव्स, वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ कर्म, जो कर्म उदय में आया अगर वो नेगेटिव वाला है तो फौरन हम उसी समय कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया के पुद्गलों को ग्रहण करेंगे। वो पुद्गल हमारी नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरो हॉर्मोन्स के साथ एसोसिएट होगी, उसकी बायोकेमिस्ट्री बदलेगी और नेगेटिव होकर के फिर हमारा सारा व्यवहार, हमारी सारी साइकोलॉजी, हमारा सारा मूड, हमारा एटीट्यूड, वो सारा नेगेटिव हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं जिसको व्यक्तित्व में कि हमारे व्यक्तित्व के ये बाधक तत्व है। और दूसरी ओर शुभ लेशियाएं अच्छी, जो पद्म शुक्ल और पद्म नील, पद्म रक्त और शुक्ल, ये तीन लेशियाएं शुभ है, उनको अगर हम ग्रहण करना सीख लेते हैं, उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक साधना है, तो फिर हम कर्म की इफेक्ट को नेगेट करके और हमारे ऑटोनोमस सिस्टम को, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, हमारे सारे अंदर के न्यूरो हॉर्मोन्स को बदल करके और उसको बदल देते हैं, तो हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारी वृत्ति में, हमारे व्यवहार में सारी मानवता आ जाती है, क्षमा आ जाती है, एक भलापन आ जाता है, और उसी को हम अच्छाई कहते हैं। बुराई जो होती है कृष्ण लेशिया आदि अशुभ से होती है, अच्छाई जो होती है और शुभ लेशिया जो ये है से होती है। अब इस लेशिया का ग्रहण भी मूल कर्म के उद्देश्य होगा। अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे, आप अपने पुरुषार्थ को काम नहीं लेंगे, तो मोहनी कर्म एक और तो
सीधा अटैक करेगा आपके बॉडी सिस्टम पर और एक और बाहर से पुद्गल ग्रहण करेगा अशुभ लेशियाओं के, अशुभ लेशिया के पुद्गल और वो ऑटोनोमस सिस्टम की परिणति दोनों मिल करके आपको डाउनवर्ड ले जाएगी, नेगेट में ले जाएगी, नए कर्मों के बंधन कराएगी और आप इसी प्रकार से कर्मों के प्रभाव से प्रभावित होते रहेंगे। लेकिन अगर आपने साधना के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, प्रयास के द्वारा, कोशिश के द्वारा अपने ऑटोनोमस सिस्टम को प्रभावित करना सीख लिया है तो शुभ लेशियाओं को आप ग्रहण करके और जो मोहनी कर्म उदय में आ रहा है उसको रोकेंगे या उसको बदलेंगे या उसको नष्ट कर देंगे ताकि प्रभाव में सारा पॉजिटिव होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, एक अच्छे आदमी की तरह आप व्यवहार करेंगे। तो ये लेशिया का, अब लेशिया का जो कोरिलेशन है आज के युग में जो विकास हुआ है उसमें एक प्रक्रिया आई है सामने जिसको कहता है आभा मंडल, ओरा। अभी तक भी ये प्योर साइंस या एकदम साइंटिफिक उस डोमेन में नहीं है, फिर भी इसका बहुत उपयोग मेडिकल साइंस में हो रहा है। ओरा, आभा मंडल, ये सब चीजों में होता है। जगदीश चंद्र बोस ने जहां वनस्पति विज्ञान की जो कंसेप्शन दिया उसके साथ में ये ओरा का कंसेप्ट भी उन्होंने लिया था। और आगे अभी किर्लियन कपल्स जो है रशियन, उन्होंने फोटोग्राफी का एक विकास किया है कि ओरा की जो कलर्स है, ओरा के जो वेव्स है उनको वो कैच करके वो पता लगा सकते हैं कि आदमी की ओरा में कौन सा रंग अभी चल रहा है। वो बदलता रहता है भावों के साथ, लेशिया के साथ, कर्म के उदय के साथ, आभा मंडल बदलेगा। हमारे चारों ओर वो कलर एनवेलप है जिसको ओरा कहते हैं। और फोटोग्राफी, ये किरलियन फोटोग्राफी, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी फोटोग्राफ के द्वारा उसका फोटो लिया जा सकता है। जो ही भाव बदलता है रंग बदल जाता है। जब व्यक्ति का नेगेटिव होता है तो वो जो भी आता है ओरा उसको वो डल कहते हैं। और जब आदमी के अंदर अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छा व्यवहार होता है तो उसको ब्राइट कहते हैं। डलनेस और ब्राइटनेस से वो ओरा के कलरों को एनालिसिस करते हैं। मेडिकल साइंस में जो अभी नया डिस्कवरी या रिसर्च हो रहा है वो है डायग्नोसिस का। उनका ये एक एजम्पशन या हाइपोथेसिस है कि जो बीमारी हमें आगे आने वाली है वो पहले आभा मंडल में आ जाती है। हमारा जो ओरा है उसमें उसके लक्षण आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, कैंसर की बीमारी के लक्षण ओरा में, शरीर में प्रकट होने से पहले आ जाएंगे। और ओरा की फोटोग्राफी करके अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेल के कैंसर के सेल का इफेक्ट ओरा में आया है और उसको अगर समय से पहले ट्रीटमेंट दे दिया तो कैंसर से बच सकता है। ये नई अवधारणा मेडिकल साइंस की आई है। और वनस्पति पर ओरा, वनस्पति का भी ओरा होता है। एक गुलाब का फूल खिला हुआ है उसका ओरा ले लो और बाद में जब वो मुरझा गया या खत्म हो गया ओरा ले लो, इट इज ए वास्ट डिफरेंस। वो ओरा और वो ओरा एकदम, एक आदमी लिविंग है उसका ओरा ले लो, एक डेड है उसका ओरा ले लो, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ओरा एग्जैक्टली अगर उसको जैसे बताया जाता है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन ऑफ अवर साइकिक स्टेट। हमारी जो मानसिक दशा है उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन ओरा के रूप में होता है। ब्लैक कलर है या डल कलर है तो भाव जब वैसे होते हैं उसका रिफ्लेक्शन वैसा, अच्छे होते हैं तो अच्छा होता है। तो इस रूप में एक तरफ तो कर्म, एक तरफ लेशिया, एक तरफ हमारे भाव और एक तरफ ओरा। और ओरा का संबंध जैन दर्शन जो मानता है आभा मंडल और लेशिया, उसका संबंध है तेजस शरीर के साथ। कार्बन शरीर और तेजस शरीर साथ साथ रहते हैं। तेजस शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा करता है तो वही आगे चल करके ओरा को प्रभावित कर देता है। जैसे कर्म का आदेश होता है वैसा वो काम करता है। अपने आप में तेजस शरीर न्यूट्रल होता है, ना बुरा करता है ना अच्छा करता है। जैसा कर्म का प्रभाव आया, मोहनी कर्म का प्रभाव आया, तेजस शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे ओरा को, हमारे सिस्टम को गलत ढंग से प्रभावित करके हमें गलत रास्ते पर ले जाएगी। और अगर कर्म का हमने दमन कर दिया, कर्म को क्षीण कर दिया तो वही तेजस शरीर
हमारे लिए मित्र बन जाएगा और हम उसका पॉजिटिव उपयोग करके आभा मंडल पॉजिटिव, हमारी दशाएं पॉजिटिव, हमारे बायोकेमिकल हॉर्मोन्स पॉजिटिव, हमारा व्यवहार पॉजिटिव। तो एक सारा रिलेशन अंतर जगत में चलता है, उसका एक सर्कल बनता है। कैसे चेतना, चेतना के बाद में कार्बन शरीर, कार्बन तेजस शरीर, तेजस शरीर के साथ जुड़ी हुई औदारिक शरीर, औदारिक शरीर में नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के साथ हमारे मसल्स, वो सारी साइकिल एक जुड़ी हुई है। उसका इफेक्ट उस पर, उसका इफेक्ट उस पर, और उसी प्रकार से जो उल्टा करते हैं साधना के द्वारा, तो हम अपनी आत्मा को उल्टा करके निर्मलता की ओर ले जा करके और कर्म को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो साइकिल को ऐसे घुमाते हैं तो परपेचुएट होता है, और उसको इनहिबिट कर देते हैं तो वहां पर जा करके जो बंद की प्रक्रिया चलती है रुक जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि पिछड़ा सारा कर्म का स्टॉक खत्म हो जाता है, नया कर्म बंधन होता नहीं है, उसी को हम सिद्ध अवस्था या मुक्त अवस्था। तो ये लेशिया की भूमिका है प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक जीव में लेशिया, लेशिया वैसे अजीव में भी होती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज या उसका रेडिएशन या उसका रिफ्लेक्शन हर पदार्थ में होता है उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन उसके ओरा में और लिविंग बीइंग के ओरा में रात दिन का अंतर होता है। वो ओरा एक प्रकार से फिक्स होता है, ये ओरा एक एक इंस्टेंट में बदलता रहता है, भाव के साथ ओरा के रंग, ओरा की इंटेंसिटी, ओरा की डलनेस, वो सब बदल जाती है। तो इस पर काफी प्रयोग चल रहे हैं, हम ये होप करें कि जिस दिन इसमें आगे हम बढ़ जाएंगे तो कर्म शरीर के साथ जो हमारा संबंध है और उसका जो इफेक्ट है उसके विषय में भी हम ज़्यादा समझ सकेंगे कि अध्यात्म की साधना जिसे कहा जाता है ये कैसे और क्यों ये सारा बदल देती है, उसका एक्सप्लेनेशन हमारे हाथ में संभवतः आ जाएगा। तो हम उसको एकदम एक्सप्लेन कर देंगे कि ये साधना हमने की, ओरा में ये परिवर्तन आया, ओरा के द्वारा लेशिया बदली, लेशिया के द्वारा कर्म बदला, और कर्म के कारण से वो हमारी स्थिति बदली। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी डिटेल में